हेलो जी, सलाम अलैकुम। मेरा नाम बिलाल है और मैं दुबई में रहता हूँ। तो आज से मैंने सोचा कि कुछ व्लॉगिंग की जाए, तो मैं दुबई आया हुआ हूँ। तो आपको आज जितना हो सका मैं दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी हम शेख जायद रोड पे हैं, उसके बाद आपको मैं बेस घर लेके जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ उसमें, क्या कहते हैं, वीडियोग्राफी में। तो जितना मुझसे हो सका मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे इंशाल्लाह अगर आप किसी को पसंद आया तो और भी बनाऊंगा। जी, दुबई मॉल पहुंचे हैं हम और मास्क ज़रूरी है, तो मैं बाहर की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल गाड़ी में से वीडियो नहीं बना सकता था, वरना मैं ज़रूर बनाता। तो अभी दुबई मॉल पहुंचे हूँ। ये इस टाइम आप देख सकते हैं फैशन एवेन्यू से मैं एंट्री ले रहा हूँ। ये एग्ज़िट का है, ये एंट्रेंस है। तो चलें अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ये जी दुबई मॉल की एंट्रेंस दोबारा से, पहले पार्किंग की थी और अब मॉल की तरफ एंट्रेंस देखें आप। मैं आपको बाहर से भी दिखाता लेकिन बाहर मैं रुका नहीं हूँ, पार्किंग की वजह से बताया आपको। और ये मैं हूँ और ये पीछे मेरे दुबई मॉल। कितनी दुनिया है यहाँ पे और सब ने मास्क पहना हुआ है, सब ने प्रिकॉशंस दी हुई हैं क्योंकि रूल्स सब इधर फॉलो करते हैं। तो ये देखें आप कितनी रश है यहाँ पे। बिल्कुल इंसानों का कहते हैं ना, अभी हम शराब डीजे जाएंगे, देखिए पाँव रखने की जगह नहीं है यहाँ पे, अब कितनी रश है। तो ये अभी स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे पूरा दुबई जितना मुझसे हो सका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कुछ ब्रांड्स हैं, ये आप यहाँ से ओवरऑल व्यू देख सकते हैं सारा, और हर कम्युनिटी आती है इधर। अब साथ में मैं आपको अपना भी दिखा सकता हूँ, मास्क उतार नहीं सकता क्योंकि मास्क आपको फिर 3,000 दरम के लिए तैयार होना पड़ेगा अगर आपने मास्क उतारा तो। बाकी ये देखें, ये हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हमने खाना खाना है, सबवे तो हमने खा लिया था। और मेरे कज़न जो हैं उनको मैं देख रहा हूँ वो किधर हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। गुम हो गया हूँ यार, आता रहता हूँ इधर में लेकिन ये बहुत बड़ा मॉल है। तो एक्चुअली मैं हूँ अबू धाबी में रहता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं है दुबई मॉल का कि ये कितना बड़ा है। चलें जी आपको आगे दिखाते हैं। ये जो दुबई मॉल बुर्ज खलीफा पूरा जो बनाया है, ये इमार ने बनाया है, यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये आप देखें नीचे सारे ब्रांड्स, लोग साथ में, मैं भी अपनी आपको शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें रिवर आइसलैंड, नेक्स्ट, हर तरह का ब्रांड आपको इधर मिलेगा, हर तरह का ब्रांड, और हर मुल्क से लोग मिलेंगे आपको। तो यही मज़ा है इधर, आपको डिफरेंट कम्युनिटी से बात करने का,
मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और जितना आप दुनिया के लोगों से इंटरेक्ट करते हो उतना ही आपको जो है ना वो सीखने को मिलता है, नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो ये सीन है। बाकी ये सामने आप देख रहे हैं माइकल कोर्स, ये एक बहुत ही महंगा ब्रांड है हमारे लिए कह सकते हैं आप। फाइनली पूछने के बाद मुझे बताया जी कि शरफ विजय लेवल अप पे है, इससे ऊपर वाले लेवल पे है। तो मैं होपफुली पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनता है, फिर आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन फिलहाल तो जाके वीडियो एडिट करनी पड़ेगी और आज पहला दिन है, सो देखते हैं क्या बनता है। अगर तो वीडियो सही एडिट होगी और अपलोड होगी टाइम से तो बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। और ये लोग देखें आप, इतनी दुनिया जा रही है, देखें इतनी दुनिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आया था और मुझे लोकेशन नहीं मिली थी शराफ डीजे की, तो मैंने अब सोचा कि यहाँ पे सर्च कर लूँ और ये मिल गया। अब ये मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, देखें टेक्नोलॉजी कितना आसान है। देखें अब यहाँ से मुझे कितनी देर में ये पहुँचा देगा। मुझे यहाँ से राइट होना है और सीधा आगे जाना है, आगे जाके मुझे थोड़ा सा राइट लेना है। तो चलते हैं, ये आगे। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि गुड बाय करते हैं आपसे, लेकिन वो अचानक फिर रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने कहा कुछ और अपडेट देते हैं आप लोगों को। और अब ये यहाँ से आगे की तरफ जाना है और थोड़ा ही आगे जाके शराब डीजे आ जाएगा। तो ये गो स्पोर्ट्स, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हर किसी ने मास्क पहना हुआ है और पूरी प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो ये आई कैफे, ये यामहा। यहाँ दुबई में एक मज़ा है कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी दुनिया की। लाइफ बहुत इजी है इधर। और फाइनली हम शराब डीजे में आ गए। ये जी दुबई एक्वेरियम, सोचा था व्लॉग एंड कर दूं लेकिन इधर घूमते घूमते मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। ये दुबई एक्वेरियम, ये है जी दुबई एक्वेरियम। एंट्री फीस है इधर, ये छत देखें आप इसकी जबरदस्त। फिलहाल मैं शाम से अकेला ही घूम रहा हूँ, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। तो
प्लान किया कि अंडे खाया जाए। कज़न तो श्योर के साथ चले गए, तो मैंने कहा अंडे पे आया जाए, लेकिन इधर तो बहुत बहुत रश है और लोगों की दुनिया देखें आपसे, ऐसा लग रहा है कि फ्री में खाना मिल रहा है सबको। और ये अलबेग की सूरत हाल है। अब सोच रहा हूँ एक घंटा लाइन में कौन खड़ा होगा। देखते हैं। हाँ जी, फिर यही डिसाइड किया है मैंने कि इधर खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। ये आप लाइन देख लें, ये एक लाइन है और यही लाइन फिर उधर जा रही है, और इधर रश आप देख लें। तो इसमें यही है कि आप यहाँ से कुछ और सोचते हैं। सोचता हूँ बर्गर किंग या फिर हार्डिस, देखते हैं अभी। यार यहाँ बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, तो